हाय, गुड मॉर्निंग दोस्त। मैं हूं जस्मीन पटेल। वेलकम बैक टू द शो मॉर्निंग मोटिवेशन। तूने कभी ड्रामा देखा है? हाँ, नाटक की ही बात कर रहा हूं। सब कुछ लाइव परफॉर्म होता है यहाँ पर, राइट? अगर हर एक्टर अपना अपना रोल सही से निभा ले तो वो ड्रामा देखने में लोगों को भी मजा आता है और उसे सक्सेसफुल प्ले भी कह सकते हैं, जिसमें कोई गड़बड़ नहीं हुई, सब सही था। हम सब भी दुनिया नाम के इस स्टेज पर एक नाटक कर रहे हैं। सबको एक पर्टिकुलर कैरेक्टर दिया गया है और सबका रोल यहाँ पर मेन लीड ही है। जैसे मेरे कैरेक्टर का नाम है जस्मीन पटेल, तेरे कैरेक्टर का नाम तुझे पता होगा। क्या किरदार है मेरा और तेरा, ये हमें ही समझना होता है और उसे निभाना भी होता है। लेकिन क्या ऐसा सच में होता है? आई मीन प्रैक्टिकली सब अपना अपना रोल सही से निभाते हैं यहाँ पर? नहीं। क्यों? क्योंकि नहीं कर सकते यार। अरे लेकिन क्यों नहीं कर सकते? अरे बहुत रीजंस होते हैं यार, नहीं कर सकते मतलब नहीं कर सकते। रीजंस जो तुम्हें तुम्हारा काम करने से रोक देते हैं। चल ठीक है, कुछ पल के लिए ही सही, लेकिन मान ले अगर हर इंसान अपना रोल सही से निभा ले, चाहे कुछ भी हो जाए, तो ये दुनिया क्या बन जाएगी। चल एक कहानी सुनाता हूं। ये एक रियल इंसिडेंट है, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू पीएम थे तब की बात है। एक बार उन्हें अर्जेंटली किसी मीटिंग में जाना हुआ तो वो बाई कार जा रहे थे। रास्ते में एक रेलवे क्रॉसिंग आया और गेट कीपर ने गेट बंद कर दिया, तो पंडित जी का जो ड्राइवर था वो बहुत ही गुस्सा हो गया, नीचे उतरा और उस गेट कीपर को डांटने लगा। तुझे पता है गाड़ी में कौन है? गेट कीपर ने कहा कि मैं जान के क्या करूंगा साहब। ड्राइवर ने गुस्सा होकर कहा कि देश के प्रधानमंत्री गाड़ी में बैठे हुए हैं, तू उनसे इंतजार करवाएगा? मतलब इतनी औकात हो गई थी। चल गेट खोल, ट्रेन आएगी उससे पहले मैं गाड़ी लेकर निकल जाऊंगा। गेट कीपर ने कहा कि माफ करना साहब, लेकिन मैं ये नहीं कर सकता हूँ। जब मुझे गेट बंद करने का सिग्नल मिले तो गेट बंद कर देना, ये मेरा काम है। ट्रेन कब आएगी और कब जाएगी ये देखना मेरा काम नहीं है साहब। जब ट्रेन क्रॉस हो जाएगी और मुझे गेट खोलने का सिग्नल मिलेगा तब गेट खोलना, ये मेरा काम है। तब तक किसको कितनी जल्दी है और इंतजार करने वाला कौन है ये देखना मेरा काम नहीं है साहब। साहब मैं तो बस अपना काम कर रहा हूँ, वो भी आप सबकी सेफ्टी के लिए। ड्राइवर और गुस्सा हो गया। अच्छा तुम मुझे सिखाएगा? अबे तुझे तेरी नौकरी से ही निकलवा दूंगा मैं, नौकरी नहीं रहेगी तो काम क्या करेगा तू? चल गेट खोल। लेकिन फिर भी उस बंदे ने गेट नहीं खोला तो नहीं खोला। पंडित जी ये सब देख रहे थे और मुस्कुरा रहे थे। उस बंदे का अपने काम के लिए डेडिकेशन देख के खुश हो रहे थे। उन्हें भी अच्छा लगा कि किसी ने अपनी जिम्मेदारी पूरी करने के लिए देश के प्रधानमंत्री को इंतजार करवाया। उन्होंने सोचा अगर मेरे देश का हर सिटीजन ऐसा हो जाए तो मेरा देश कहाँ पहुंच जाएगा। उन्होंने उसकी बहुत तारीफ की और ड्राइवर को बहुत डांट पड़ी। अब तू बता, क्या तू तेरा रोल ठीक से निभा रहा है? अरे किसी और के लिए छोड़ यार, खुद के लिए, खुद की तरक्की के लिए ही सही, लेकिन क्या तू अपना काम पूरी ईमानदारी से करता है? रोज सुबह उठ के ये सोचना कि आज मैं मेरी जिम्मेदारी पूरी तरीके से निभाऊंगा। हर तरीके की जिम्मेदारी की बात है, एक बेटे की, बेटी की, माँ की, बाप की, स्टूडेंट की, डॉक्टर की, जो भी तू है और जो भी तेरी जिम्मेदारियां है, तेरे किरदार के हर एक सीन की बात है। एक दिन करके देख, वादा करता हूँ तुझसे, उस रात तू चैन से सोएगा। तुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आज तू हारा था या जीता था, तूने कुछ पाया था या खोया था। तेरे दिल को इस बात का सुकून होगा कि जो भी था लेकिन तूने तेरा काम ठीक से किया था। यकीन मान यार, ये सुकून आज दुनिया के बड़े बड़े अमीर लोगों के पास भी नहीं है। लोग रात को सो नहीं पाते हैं, सब कुछ होते हुए भी अधूरा महसूस करते हैं। क्यों? क्यों? हाथ से तेरे किरदार को गहराई से समझने की कोशिश कर, तेरे दिमाग को ट्रेन कर। उसके बाद देख, हर काम में तेरा दिमाग ये नहीं देखेगा कि तुझे उस काम में मजा आएगा या नहीं आएगा, वो सिर्फ इतना पूछेगा क्या ये मेरा काम है और अगर है तो मैं इसे आसानी से कर लूंगा। तेरे काम करने की एफिशिएंसी ना बढ़ जाए तो कहना, तेरी क्रिएटिविटी ना बढ़ जाए तो कहना, हर काम को देखने की तेरी सोच ना बदल जाए तो कहना। यही हूं मैं, रोज आता हूं सुबह 6 बजे एक पॉडकास्ट के साथ और शाम को 6 बजे एक वीडियो के साथ। तो चल आज यहीं तक रखता हूं, जाते जाते याद करा दूं, तुझे बस इतना यकीन करने की जरूरत है कि यार तेरी जिंदगी बहुत खूबसूरत है, सच में बहुत खूबसूरत है, मान भी ले। अब मिलता हूँ शाम को 6 बजे सुंदर पिचाई की बायोग्राफी के साथ। स्टे ट्यून्ड, बाय, टेक केयर एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।